हेलो एवरीबॉडी, सभी साथियों को राम राम, नमस्ते, हाय हेलो, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, हरियाणा में ड्राइवर के पदों पर भर्ती निकली है। पहले भी कई ज़िलों में निकली हुई थी, आज दो तीन ज़िलों में और निकल गई है और फार्म भरने का समय बहुत कम दिया गया है। यदि आप ड्राइवर लगने की इच्छा रखते हैं हरियाणा में, तो आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए और आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए। हो सकता है आपके किसी ग्रुप में, आपके किसी रिलेशनशिप में, आपके रिश्तेदारी में, किसी फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई ड्राइवर की जॉब करने का इच्छुक हो, ठीक है। इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों, पढ़ाई करके सैकड़ों बच्चों ने नौकरी हासिल की है आज तक। आप भी पढ़ाई करके नौकरी हासिल कर सकते हैं, आप भी जॉब लग सकते हैं। हम अपने ऐप पर आपको पढ़ाई करवाते हैं, तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। HSSC का नया कोर्स स्टार्ट हुआ है अभी, आप इस कोर्स में ज्वाइन करके अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं और अपने सिलेक्शन को नज़दीक कर सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों, आपको बता देता हूँ, NHM हरियाणा की तरफ से भर्ती निकाली गई है। NHM नेशनल हेल्थ मिशन हरियाणा की तरफ से भर्ती निकाली गई है। एम्बुलेंस ड्राइवर के पदों पर भर्ती है। पूरे हरियाणा में 564 पदों पर ये रिक्रूटमेंट है। आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत भर्ती की जाएगी। यहाँ पे अभी किस किस जगह पे भर्ती निकली हुई है, अंबाड़ा में भर्ती निकली है 21 पदों पे, लास्ट डेट 28 सितंबर 2021 है। फार्म भर के आपको इस एड्रेस पर संपर्क करना है। उसके बाद में फतेहाबाद में 17 सितंबर लास्ट डेट थी, ये फार्म हो चुके हैं। इसके बाद में दोस्तों, आज हिसार में भर्ती निकली है, 25 सितंबर लास्ट डेट है, 33 पदों पे भर्ती है और इस एड्रेस पर क्या है, आपको संपर्क करना है फार्म भरने के लिए। कुरुक्षेत्र में 24 पदों पे है, 20 सितंबर लास्ट डेट थी, ये भर्ती भी आपकी जा चुकी है। महेंद्रगढ़ में 33 पदों पे है, 27 सितंबर लास्ट डेट है, इस एड्रेस पर आपको संपर्क करना है फार्म भरने के लिए, ठीक है, ऑफलाइन फार्म भरना है। पानीपत में भर्ती निकली है, 24 पोस्ट है, 30 सितंबर लास्ट डेट है, इस एड्रेस पर आपको संपर्क करना है अपना फार्म भरने के लिए या अपना फार्म जमा करवाने के लिए। यमुनानगर में भर्ती निकली है, 24 सितंबर लास्ट डेट है, 27 पद है, इस एड्रेस पर आपको संपर्क करना है अपना फार्म भरने के लिए। और दोस्तों, जो और बाकी डिस्ट्रिक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, वैकेंसी तो आपको पता चल गया है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कितने वैकेंसी है, इनके फार्म भी बहुत जल्द आज कल में शुरू होने वाले हैं, तो उनकी डिटेल भी मैं आपको बता दूंगा जैसे ही अपडेट आएगी। आप नॉलेज टीवी देसी ताऊ को चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें और टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन और इस भर्ती का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो वहाँ पर शेयर कर दूँगा, जो आपको फार्म भर के भेजना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, दसवीं की जो आपके प्रतिशत है उसके हिसाब से आपको 10 नंबर मिलेंगे, 50% नंबर है तो 5 नंबर मिलेंगे, 51 से 60 है तो 7 मिलेंगे, 61 से 17 है तो 9 मिलेंगे, 70 से ऊपर है तो 10 नंबर मिलेंगे। आपने दसवीं से ऊपर 12वीं कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखी है, तो आपको क्या है, 5-5 नंबर उस चीज़ के मिलेंगे, ठीक है। और आपका ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है तो आपको 10 नंबर मिल सकते हैं, ठीक है। और ड्राइविंग टेस्ट आपका लिया जाएगा, उसके 10 नंबर मिलेंगे। लोकल एरिया के कैंडिडेट को क्या है, प्रेफरेंस दी जाएगी तो उनको 20 नंबर मिलेंगे। टोटल 60 नंबर का आपका क्या है, प्रोसेस रहेगा सिलेक्शन का, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म और ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम ग्रुप पे अभी के अभी शेयर कर दूंगा जैसे ही वीडियो ख़त्म होगी। तो यदि आप फार्म भरना चाहते हैं तो हिसार में भी भर्ती निकल गई है, मैंने सभी ज़िलों की बताई है जहाँ जहाँ पे भर्ती निकल गई है, लास्ट डेट भी बता दी है। क्वालिफिकेशन की यदि हम बात करें तो 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, साथ में HMV हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास में होना चाहिए, 3 साल पुराना, इस बात का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। तो 18 से 42 साल एज मांगी गई है। पूरे हरियाणा में 564 पद है, फार्म भरने की कोई भी फीस नहीं है, ठीक है। आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के तहत ये भर्ती की जाएगी NHM हरियाणा की तरफ से। पूरे हरियाणा में एम्बुलेंस ड्राइवरों की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये अपडेट है दोस्तों जो आपके साथ शेयर करनी थी। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।